हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार साथियों एक धार्मिक और पवित्र स्थल है। यह भारत में सबसे ज्यादा फेमस जगहों से एक है। यहां आने के बाद आप गंगा स्नान कर सकते हैं और गंगा आरती का शाम को आप आनंद ले सकते हैं। ये दृश्य देखने के बाद जो आपके हृदय में जो प्रसन्नता होती है वो बेहद ही लाजवाब होती है। ऐसा नजारा शायद ही आप कहीं और देख पाएंगे। तो साथियों आपको आना कैसे होगा अगर आप पहली बार जा रहे हैं हरिद्वार, रुकना कहाँ होगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी और किन किन जगहों पे आपको घूमना चाहिए। आज साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि भगवान शिव की जो ससुराल है वह सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूरी पे ही आपको मिलेगी, तो वहाँ पे भी आपको जरूर जाना चाहिए। ज्यादातर लोग स्नान करने आते हैं और हरिद्वार घूम के चले जाते हैं। भगवान शिव की ससुराल लोग इसलिए भी नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, साथियों आपका स्वागत है मेरे चैनल टूर डीके राज पे। साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही हरिद्वार आने के लिए आप ट्रेन, बस, फ्लाइट किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। सभी बड़े राज्य और शहरों से यहां आपको डायरेक्ट बसें और ट्रेन मिल जाएगी। और हम बात कर रहे हैं आज मुख्य भारत की राजधानी दिल्ली से, तो दिल्ली से सभी कनेक्ट होते हैं तो वहां तक आप आ सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार की जो दूरी मिलती है आपको 212 किलोमीटर की मिलती है और हरिद्वार तक आने में जो आपका समय लगता है 4 घंटे 30 मिनट का लगता है। हरिद्वार में आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आमने सामने मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। वहां से साथियों आप चाहे तो पैदल आ सकते हैं गंगा घाट तक, ऑटो द्वारा भी आप आ सकते हैं। आपको रूम गंगा घाट के किनारे ही लेना चाहिए जो कि आपको 1000 से 2000 के बीच मिल जाता है। अगर आप त्योहार के समय आते हैं जिस समय भीड़ होती है तो आपको रूम 2000 से 3000 के बीच मिलता है, घाट के पास ही मिल जाएगा। और मार्केट में आप रूम लेना चाहते हैं तो 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं और 2000-3000 तक आप अपने बजट अनुसार ले सकते हैं। और साथियों आप अपना सफर रात में तय करके आ रहे हैं तो आप आइए गंगा स्नान कीजिए, शाम को गंगा आरती का मजा लीजिए और फिर रिटर्न भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हरिद्वार में घूमना है तो रूम आपको लेना ही चाहिए। साथियों अब हम अपना सफर शुरू करते हैं। सुबह आपको जल्दी उठ जाना चाहिए, उठ के सबसे पहले आप स्नान करने चले जाइए। गंगा स्नान करने के बाद सीधा माता मनसा देवी के लिए निकल जाइए। वहां जाने के लिए आपको रोपवे की सुविधा भी मिलती, नहीं तो आप पदयात्रा करके सीढ़ी द्वारा या सड़क द्वारा तीनों रास्तों से किसी भी तरह से माता मनसा देवी तक पहुंच जाओगे और ऊपर जाकर आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं और धागा भी वहां आप बांध सकते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद, दर्शन करने के बाद आप बाहर आ जाइए। वहां से आपको पूरा नजारा हरिद्वार का बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा और साथ में ही आपको माता चंडी देवी का मंदिर भी आपको दिखाई देगा। कुछ देर रेस्ट करने के बाद आप वहां से आ जाइए, फिर आप अपने रूम पे आके 10 से 15 मिनट रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद साथियों आप माता चंडी देवी की ओर निकल जाइए। आप तो वहां से आप ऑटो लेके सीधा ब्रिज द्वारा चंडी देवी के रास्ते तक आ जाते हैं। वहां से भी आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप रोपवे द्वारा जा सकते हैं या फिर पद यात्रा करते हुए आप माता चंडी देवी तक आ जाइए। जब आप मंदिर में दर्शन कर लेते हैं तो उनके बाद आप बाहर आ जाइए, वहां पे आप भोजन कीजिए। भोजन करने के बाद फिर से आप रिटर्न नीचे आ जाइए और वहां से आपको सीधा अपने रूम पे नहीं जाना है, भगवान शिव की ससुराल जो कि कनखल है आप वहां चले जाइए। हरिद्वार से आपको ये 3.5 किलोमीटर लगभग पड़ता है। वहां जाके आपको जो मंदिर देखने को मिलेगा दक्ष मंदिर देखने को मिलेगा जो कि भगवान शिव के ससुर थे, यानी कि फादर इन लॉ। ये वही जगह है जहां पे भगवान शिव का अपमान दक्ष ने किया था, इसी से नाराज होके माता पार्वती अग्नि में कूद गई थी। उन्हें बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ उठाकर लेके चल दिए। तो ऐसी जगह आप एक बार जरूर जाइए अगर अभी तक आप नहीं गए थे, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था लोग हरिद्वार तो बहुत आते हैं लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं जा पाते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, यह सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ की जानकारी नहीं है कि भोले की ससुराल कनखल कही जाती है, नहीं जा पाते हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, तो आप कनखल जरूर जाइए और यहाँ से आप रिटर्न आ जाइए फिर से हरिद्वार, और हरिद्वार में गंगा घाट पे आ जाइए जो कि हर की पौड़ी है, जहाँ गंगा आरती होती हुई आपको नजर आएगी। जल्दी आ जाते हैं तो सबसे आगे पैड़ियों पे आप बैठ जाइए, वहाँ गंगा आरती
जिस समय शुरू होती है एक अलग ही एनर्जी वहाँ गंग घाट पे नजारा बहुत ही अद्भुत और मन को मोह लेने वाला नजारा होता है। दूर दूर से जो भी भक्त आए हुए होते हैं उस समय गंगा घाट पे एकत्रित हो जाते हैं और गंगा आरती का आनंद लेते हैं और साथ ही इस तरह से आपका पूरा एक दिन कवर हो जाता है। और आप चाहते हैं अगले दिन और घूमना तो आप इन जगहों पे जा सकते हैं, कुछ जगहों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। वहीं पास में एक हिडन रेलवे टर्नल है जो कि एक सुरंग है, वहाँ आप लोकल रहने वालों से मालूम कर सकते हैं और यहाँ जाके आप फोटो वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से कीजिए, ट्रेन कभी भी आ जाती रहती है। और उसके बाद चाहे तो आप वहाँ से फिर आप भीमगौड़ा चले जाइए, वह भी एक घूमने लायक जगह है। भारत माता मंदिर भी आप जा सकते हैं, पवन धाम एक जगह है वहाँ पे आप जा सकते हैं, वैष्णो देवी मंदिर आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका अगला दिन भी कवर हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, बाकी और भी जगह हरिद्वार में, लेकिन जो फेमस जगह थी वे मैंने आपको बता दी है। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत आने वाली है, तो आप इजीली घूम सकते हैं और मजे से एंजॉय कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताना और जानकारी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है 2DK36 मेरी ID है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।